हाय, मैं हूँ चुंबक और मैं भिंडी और सोफी के साथ वैंकूवर में रहती हूँ। भिंडी मुझे बहुत प्यार करती है क्योंकि मैं भिंडी की फेवरेट हूँ। भिंडी ने मुझे पीपल फार्म से अडॉप्ट किया था और बहुत ही खराब सिचुएशन से रेस्क्यू किया था। लेकिन भिंडी को ये नहीं पता कि वैंकूवर आने से पहले मेरे साथ क्या क्या हुआ, पर शाइनी को सब पता है। चुंबक के बारे में हमें सलोल से मोनू जी ने फोन करके बताया था। चुंबक को एक गाड़ी ने मारा था जिस वजह से बेचारी का पूरा पैर क्रश हो गया था, खून भी बहुत आ रहा था। तो हमारी टीम उसको फौरन रेस्क्यू करके यहाँ फार्म पे ले आई। अब चुंबक के बारे में कूल बात ये कि उसको ऑब्वियसली दर्द तो बहुत होता होगा, लेकिन हमने कभी भी उसको दर्द से रोते हुए नहीं देखा और ट्रीटमेंट के टाइम भी उसने कभी भी हमारी टीम को किसी भी तरह परेशान नहीं किया। उसका पैर तो नहीं बचा था तो उसकी वुंड पे पट्टियां होती थी, रेगुलरली ड्रेसिंग होती थी और उसे पेन किलर्स दिए जाते थे और एंटीबायोटिक्स। अब ये वाला जो टाइम था जब उसकी ट्रीटमेंट हो रही थी, उसकी हीलिंग हो रही थी, उस समय उसकी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए हमने उसको केनल रेस्ट पे रखा था। केनल से बाहर उसे बिल्कुल नहीं निकाला जाता था, तो इस टाइम पे वो क्या करती थी मैडम, अपनी बालकनी में बैठ के बस सारे जानवरों को देखती रहती थी कि भाई कहाँ क्या हो रहा है, एनिमल एरिया में कौन आ रहा है, कब आ रहा है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जिद करती थी कि मुझे भी बाहर जाना है क्योंकि ऑब्वियसली बेचारी बोर होती होगी। चुंबक की हीलिंग बहुत बढ़िया तरीके से हो रही थी और खुशी की बात ये थी कि वैनकूवर में पीपल फार्म की एक फ्रेंड रहती है, उनका नाम भिंडी है, तो उन्होंने चुंबक को अडॉप्ट भी कर लिया। हम लोग भी सुपर हैप्पी थे कि चलो चुंबक को एक अच्छा घर मिल गया है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे हम सारे अपसेट हो गए। सर्दियों के दिन थे और क्लिनिक में कई पपीज को पार्वो हो गया था। जब हमने चुंबक का टेस्ट किया तो वो भी पार्वो पॉजिटिव निकली, लेकिन अजीब बात ये थी कि वो पूरी तरह से एक्टिव थी, उसे कोई सिम्टम्स नहीं थे पार्वो के। अब ये ना जो डॉग्स में पार्वो वायरस होता है, ये काफ़ी कुछ कोरोना वायरस जैसा होता है। अब फॉर एग्जांपल किसी इंसान को कोरोना वायरस है और उसमें लक्षण नहीं है कोरोना के, तो अगर वो आइसोलेशन में नहीं रहता है, बाहर घूम रहा है, तो वो कैरियर तो है ही ना, तो किसी और इंसान को उससे कोरोना हो सकता है। और अगर कोई बेचारा लो इम्यूनिटी वाला है तो उसके लिए वो जानलेवा साबित हो सकता है। तो चुंबक के साथ भी ऐसा था क्योंकि पार्वो उसको था, लक्षण कोई नहीं थे, तो वो अपने लिए तो खतरा नहीं थी पर अपने आसपास के सभी पपीज के लिए वो खतरा थी। तो इसलिए क्लिनिक के बाकी पपीज को बचाने के लिए चुंबक को हमने आइसोलेशन में रखना शुरू कर दिया। हमारे टीम के एक मेंबर थे साहिल, उन्होंने अपने घर में चुंबक को फॉस्टर किया। साहिल को तो दिन में ऑफिस जाना होता था और चुंबक घर में अकेली रहती थी, जिस वजह से उसे सेपरेशन एंग्जाइटी होने लग गई थी। तो इसलिए फिर क्योंकि उसका वुंड तो हील हो रहा था, तो मैंने उसे फिर एनरिचमेंट के लिए बाहर ले जाना शुरू कर दिया, जहाँ वो धूप में दादी अम्मा की तरह बैठ के ट्रीट्स खाती रहती थी। फिर एक दिन ऐसा आ ही गया जब चुंबक फाइनली पार्वो नेगेटिव हो गई और वैनकूवर जाने के लिए तैयारी करने लगी। तो चुंबक ने मुझे ये बताया कि उस दौरान जब वो बीमार थी, चाहे बीमारी का असर उस पर नहीं हुआ था, लेकिन आइसोलेशन का असर, दोस्तों से दूर रहने का असर उस पर ज़रूर हुआ था। और उसे उस समय समझ आया कि दोस्त होना, परिवार होना कितना ज़रूरी होता है और हम कितनी बार उन्हें फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। लेकिन जब हम किसी ऐसे दौर से गुजरते हैं जब हम अकेले होते हैं, तब हमें परिवार की और दोस्तों की वैल्यू समझ आती है। और शायद इसीलिए अब चुंबक वैनकूवर में भिंडी से ऐसे चिपकी रहती है जैसे लोहे से चुंबक। चुंबक को तो भिंडी में एक परिवार और एक दोस्त मिल ही गया, भिंडी को भी चुंबक में एक बहुत करीबी दोस्त मिल गया और दोनों एक दूसरे की वैल्यू समझते हैं और ये भी जानते हैं कि दोस्त तो बनाए जाते हैं, खरीदे नहीं।